आज हम लोग करेंगे WriteCream AI राइटर का डिटेल रिव्यू 2023 के लिए और मेरे पास दो लाइफ टाइम अकाउंट्स भी है गिव अवे के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, AI राइटर्स, ब्लॉगिंग के बारे में बात करता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं WriteCream के बारे में, जो कि एक AI राइटर है AppSumo के ऊपर। काफ़ी टाइम से ये लाइफ टाइम डील के ऊपर है, तो आज हम लोग इस लाइफ टाइम डील का रिव्यू करने वाले हैं। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर दो लाइफ टाइम गिव अवे अकाउंट्स भी है, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। और हो सकता है बीच में भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रहे जो गिव अवे के टाइम पर आपको काम में आए, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं इसके प्राइसिंग प्लान से। ये WriteCream अभी आपको AppSumo पे मिल रहा है। जो इसकी प्राइसिंग होती है, स्टार्ट होता है $59 से। यहाँ पर आपको 200 क्रेडिट्स पर मंथ मिलते हैं, जिसमें इन्होंने बोला है 400,000 कैरेक्टर्स। और इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए हैं कि 400,000 कैरेक्टर्स एक्चुअल में नहीं होते। इसके बारे में, क्रेडिट लिमिट के बारे में, मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूँगा। एंड बाकी सारी चीज़ें सारे प्लान्स में सेम ही हैं, सिर्फ क्रेडिट्स का ही डिफरेंस है। तो शुरुआत करते हैं इसके यूज़र इंटरफेस से। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ये सारे इनके टूल्स आ जाएंगे, जितने भी है। चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ईमेल, कॉपीराइटिंग, सोशल मीडिया, SEO। टू यूज़ इट, इट्स वेरी सिंपल। जो भी आपको यहाँ पर सर्च करना है, हम लोग यहाँ पर चले आएंगे SEO। एंड इसके बाद अगर मुझे चाहिए ब्लॉग आइडियाज़, तो आई क्लिक क्रिएट एंड देन आई एंटर द ब्रांड नेम इफ़ आई वॉन्ट टू एंटर, या फिर मैं ऐसे ही डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। हेल्थ रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग टू मच कॉफ़ी, आई क्लिक जनरेट। लेट्स सी क्या जनरेट करके दे रहा है, कॉफ़ी एंड हेल्थ अ ब्लॉग, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट इसके आ जाते हैं। तो जो इनके मेन टूल्स हैं, जो इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, वो है ईमेल पर्सनलाइजेशन के, लिंक्डइन पर्सनलाइजेशन, बैकलिंक पर्सनलाइजेशन। तो पर्सनलाइजेशन है क्या? पर्सनलाइजेशन के लिए कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर आप लोग क्रिएट करोगे ना, तो यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट डाल देनी है, जैसे www.kripeshadwani.com। एंड ये एक पर्सनलाइज इंट्रो जनरेट करके दे देगा। ये बेसिकली वेबसाइट को स्कैन करेगा एंड देन उस हिसाब से बता देगा कि अगर मुझे कृपेश आडवाणी को यहाँ पे इंट्रो भेजना है, तो उसका इंट्रो क्या रहेगा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द डिफरेंट रिव्यूज, इट्स ग्रेट टू सी समवन गिविंग ऑनेस्ट ओपिनियंस। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है जो इन्होंने यहाँ पे बोली है। तो ये इंट्रो जनरेटर इज़ गुड, पर्सनलाइज ईमेल अच्छा है। ये मुझे अच्छा लगा है कि ये इंट्रो जो इसे जनरेट करके दे रहा है, इट्स गुड। देन जो अगला पर्सनलाइजेशन का टूल है, वो लिंक्डइन पर्सनलाइजेशन है। अगेन यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रोफाइल यहाँ पर पेस्ट कर देनी है एंड देन यू विल हैव टू क्लिक जनरेट। तो ये आपको एक मैसेज भेज देगा, मैसेज दे देगा, विच यू कैन यूज़ टू कनेक्ट विद दैट पर्सन। एंड ये जो यहाँ पर जो आउटपुट दें, वो मुझे काफ़ी बेसिक से लगे हैं, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं लगा है। इट्स लाइक यू आर फ्रॉम भोपाल, आई रेट दैट द भोपाल गैस ट्रेजेडी इज़ द वर्स्ट इंडस्ट्री डिजास्टर, दैट्स प्रिटी इम्प्रेसिव। सो ये तो पूरा ही डिज़ास्टर आउटपुट दिया है इसने। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लिंक्डइन पर्सनलाइजेशन इज़ वेरी बेसिक मेरे हिसाब से। और जो इसमें दूसरे पर्सनलाइजेशन है, बैकलिंक पर्सनलाइजेशन इज़ गुड, आई थिंक ये अच्छा है। यहाँ पर आप लोग अगेन ब्लॉग का, आर्टिकल का लिंक डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी आर्टिकल पे चाहिए, जैसे 9 बेस्ट AI राइटर लाइफ टाइम डील से, मुझे चाहिए कि यार इसमें आप मेरा भी इंसर्ट करो, तो आई विल राइट दिस एंड ये मुझे एक इंट्रो लिख के दे देगा। एंड ये भी इसने मुझे काफ़ी बेसिक सा दिया है। तो पर्सनलाइजेशन के टूल्स इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्रमोट किए हैं। उसमें मुझे सिर्फ ईमेल पर्सनलाइजेशन अच्छा लगा है, बाकी ये सब, बाकी जितने भी हैं वो मुझे एवरेज लगे। ईमेल कॉपी इज़ ऑल्सो नाइस। और बाकी अगर मैं टूल्स के बारे में बात करूँ, तो कॉपी राइटिंग के लिए यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाते हैं एंड देन सोशल मीडिया के कुछ टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। मेनली यहाँ पर जो अच्छे टूल्स मुझे लगे हैं, वो है कॉपी राइटिंग के और SEO के। इन सब के आउटपुट्स मैं अभी यहाँ पर रन करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो फालतू में काफ़ी लंबा हो जाता है। इसके लिए मैंने एक टेबल बना के रखा है। तो जो भी मैंने यहाँ पर आउटपुट्स वगैरह डाले हैं, वो सब आपको इस रिव्यू आर्टिकल में मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर सारे यूज़ केसेस डाले हैं, यूज़ केसेस के की पॉइंट्स, उनका आउटपुट डेटा, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको और डिटेल में चाहिए इनका, तो इसके लिए आप लोग जा सकते हो, नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। नीचे देयर इज अ टेबल, जहाँ पर ये रहा वो टेबल, यहाँ पर हमने सारे आउटपुट डिस्कस करे हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम कैप्शन अगर हम लोग ये डालें, तो ये आउटपुट आएगा। उस पर क्या रेटिंग है हमारी, सिंस 3.3 हमने दिया है, क्योंकि हमें इतना अच्छा नहीं लगा है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा कुछ देखें, तो दिस इज़ सोशल मीडिया पोस्ट आइडियाज़, हमने ये इनपुट डाला, ये आउटपुट आए। एंड एडिटर रेटिंग, हमारी क्या रेटिंग है, हमें क्या इसके आउटपुट अच्छे लगे कि नहीं लगे। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर सारे जितने भी हैं आउटपुट्स, जो भी इनपुट्स मेन हैं ब्लॉग आइडियाज़ के लिए, ब्लॉग टाइटल्स के लिए, वो सब यहाँ पर आपको इस टेबल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको डिटेल लुक देखना है कि क्या इनपुट डालने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है, तो यू कैन चेक दिस वन आउट।
एंड एड्स एंड मार्केटिंग है, राइटिंग टूल्स की कैटेगरी है, ई कॉमर्स की कैटेगरी है, वेबसाइट कॉपी है, जो मेरे एक्सपीरियंस में जो अच्छा था यहाँ पर दैट वॉज SEO में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल जाता है, ब्लॉग के लिए मिल जाते हैं टूल्स अच्छे, कॉपी राइटिंग में डिसेंट था एंड ई कॉमर्स के लिए भी यहाँ पर आपको डिसेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, सोशल मीडिया के लिए कुछ खास ऑप्शंस नहीं है, कुछ खास अच्छे आउटपुट्स भी नहीं मिले हैं एंड ईमेल भी डिसेंट था। अब इसमें जो एक नई चीज़ मिलती है आपको वो है चैट जीनी। चैट जीनी एक टाइप का चैट GPT है, लेकिन चैट GPT नहीं है, ये उसी तरीके से काम करता है। सो यू जस्ट हैव टाइप योर मैसेज हियर कि फूड रेसिपी फॉर हॉट चॉकलेट बॉम्ब्स, तो आई विल टाइप कि मुझे क्या, एंड ये यहाँ से मुझे फिर आउटपुट दे देगा। तो जो भी क्रिएटिव राइटिंग है वो आप लोग चैट जीनी के थ्रू कर सकते हो। तो ये इसने मुझे यहाँ पे आउटपुट दे दिया है। अगेन ये चैट GPT नहीं है, ये AI और गूगल का जो डेटा है उसको यूज़ करके इसने ये आउटपुट दिया है। चैट GPT की अभी तक जो API है उसको ओपन नहीं किया गया है। नाउ अब हम लोग चलते हैं इसके लॉन्ग फॉर्म राइटर की तरफ। लॉन्ग फॉर्म राइटर के लिए यहाँ पर आपको जाना है SEO पे, SEO पे वी विल गो डाउन। आर्टिकल राइटर, ये जो न्यू आर्टिकल राइटर दिख रहा है ये मुझे सबसे अच्छा लगा है इसमें, एंड दिस इज 4 स्टेप्स, यहाँ पर आपको 4 स्टेप्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक डाला हेल्थ रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड देन उसके हिसाब से इसने मुझे ब्लॉग आइडियाज़ दे दिए हैं। हाउ कॉफ़ी अफेक्ट्स द बॉडी, 6 हेल्थ रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, 10th हेल्थ रिस्क, तो मुझे काफ़ी बेसिक से ही लग रहे हैं फिलहाल के लिए, मैं 6 वाला ले लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप एंड देन टाइटल, ठीक है, जनरेट इंट्रोज, लेट्स सी किस तरह के मुझे इंट्रोज देता है। जनरेट बाय कॉफ़ी, बट कॉफ़ी ठीक है, ये इसने मुझे कुछ दे दिए हैं, मैं इसका ये वाला इंट्रो ले लेता हूँ। आई विल क्लिक नेक्स्ट एंड देन ये आ गया इंट्रो। आई विल क्लिक जनरेट आउटलाइन। इसके बाद जितना अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है फास्ट आउटपुट दिए इसने मुझे, रिस्क ऑफ कॉफ़ी एडिक्शन, कैफीन, हार्ट डिजीज, स्किन कैंसर, मूड डिसऑर्डर्स, कंक्लूजन, ठीक है। आई विल क्लिक नेक्स्ट, ये वाला हम लोग ले लेते हैं एंड देन ये इसने मुझे आर्टिकल आउटलाइन दे दिए, किस तरह से मेरी आर्टिकल आउटलाइन रहेगी। आई विल क्लिक राइट द आर्टिकल एंड ये मेरा यहाँ पर पूरा एक आर्टिकल इसने लिख के दे दिया है, काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट सा आर्टिकल है, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से वर्क करता है। एंड जो इसने वर्ड्स दिए मुझे 457 दिए हैं, बट ठीक है, अगर आपको एक डिसेंट साइज आर्टिकल लिखना है लॉन्ग फॉर्म और इजी इंटरफेस चाहिए जो जल्दी लिख के दे दे, तो यू कैन यूज़ दिस वन। इसके आउटपुट क्वालिटी भी आई थिंक इज डिसेंट इनफ, नाइस, लिख सकते हो इससे। अगर हम लोग यहाँ पर इसका आउटपुट डिटेक्ट करके देखेंगे क्या इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो दिस इज़ द आउटपुट एंड यस, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये AI से लिखा गया है। अब क्रेडिट्स के बारे में बात करूँ तो इनका जो क्रेडिट कंजम्पशन है वो इन्होंने दिया है 200 क्रेडिट्स, जो लिखा है कि 400,000 कैरेक्टर्स है, ये एग्जैक्टली 400,000 कैरेक्टर्स नहीं है। इट्स लाइक कि आपकी जो भी क्वेरीज होगी यहाँ पर, इनफैक्ट अगर वो छोटी भी हो, तो आपने सोशल मीडिया पर क्लिक किया, आप गए सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शंस, हेल्थ रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग टू मच कॉफ़ी, जनरेट, एंड ये जो आउटपुट आ गया है यहाँ पर आपका 1 क्रेडिट कंज्यूम हो गया है। जब मैं वापस डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो 169 हो गया है। पॉइंट कैसे आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन यूजुअली ये 1 क्रेडिट आपकी हर एक क्वेरी पे रन करेगा। तो आपको मीन्स आप लोग ऐसी यूजुअली 200 क्वेरीज पर मंथ यहाँ पे रन कर सकते हो इनके प्लान 1 के साथ में। एंड इसमें अगर आप लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट यूज़ करोगे तो आपकी 6 से लेकर 7 क्वेरीज यहाँ पर, 7 क्रेडिट्स यहाँ पर कंज्यूम हो जाएंगे। देन इसमें जो एक और फीचर मुझे अच्छा लगा है वो है रीसेंट एक्टिविटी का। रीसेंट एक्टिविटी बेसिकली हिस्ट्री टैब्स है कि जो भी मैंने जनरेट किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल पर्सनलाइजेशन, ये सब मैंने यहाँ पर जितने भी क्रिएट किए हैं, जनरेट किए हैं, 5 फीचर्स 5 बेनिफिट्स, और ये जो भी जनरेट किया है वो आउटपुट डेटा इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। देन यहाँ पर हमें इनका क्रोम एक्सटेंशन भी मिल जाता है जिसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। आई विल गो हियर, ये रहा, एंड ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कमेंट। इसको यूज़ करने के लिए आपको ये आपके जो भी टेक्स्ट बार है उसके राइट कॉर्नर पर दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर यूज़ केसेस काफ़ी बेसिक से मिल जाते हैं, मैं इसको रीराइट वगैरह नहीं कर सकता हूं। तो जो इनका क्रोम एक्सटेंशन है वो बेसिक सा लगा है मुझे, स्केल नट इससे थोड़ा बेटर है। स्केल नट का क्रोम एक्सटेंशन वो स्केल नट का कुछ इस तरीके से दिखता है एंड यू कैन रिफ्रेज इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर और उसको देन कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, अगर अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप जरूर दीजिएगा। टॉकिंग अबाउट सम प्रोज, इसका जो एड टूल्स है वो मुझे अच्छे लगे हैं। लॉन्ग फॉर्म एडिटर इनका अच्छा है, रीसेंट एक्टिविटी आपको यहाँ पर मिल जाती है एंड SEO कॉपी राइटिंग के भी जो आउटपुट थे वो इसने मुझे अच्छे दे दिए हैं। कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिटेशन रहती है, 1 क्रेडिट इज़ गोइंग टू बी यूज एवरी टाइम इररिस्पेक्टिव कि आपके कितने कैरेक्टर्स वहाँ से जनरेट हो रहे हैं। जो UI है वो मुझे काफ़ी एवरेज से लगी है, क्रोम एक्सटेंशन भी एवरेज सा था और जो आउटपुट क्वालिटी है बहुत सारे केसेस में वो भी मुझे एवरेज लगी थी और
इसने इनपुट को ही रिपीट कर दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गिव अवेज। यहाँ पर मेरे पास दो लाइफ टाइम डील्स है WriteCream की जिसको मैं गिव अवे कर रहा हूँ। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, सेकंड आपको कमेंट जाके लिखना है कि आप एआई राइटर का किस पर्पस के लिए यूज़ करोगे या अभी तक करते आ रहे हो। सो यू नीड टू राइट द पर्पस यू आर गोइंग टू यूज़ दिस एआई राइटर फॉर। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे मेरे दिए गए लिंक पर जाना है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एंटर कर देना है आफ्टर लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, एंड देन यहाँ पर यूज़र नेम ऐड कर देना है जो आप जिस भी नाम से आपने कॉमेंट किया है इन माई वीडियो। जैसे अगर मैं यहाँ पे कृपेश 2.0 से कमेंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कृपेश 2.0, जो भी आपका यूजर नेम है, जो भी आपका यूट्यूब यूजर नेम है उसको यहाँ पर आपको लिखना है, एंड देन आपको अपना ईमेल एंटर कर देना है, एंड देन एंटर विथ योर ईमेल। ये फिलहाल मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यू विल नीड टू गिव द कंसेंट ताकि मैं आपको रीच आउट कर सकूँ, एंड आफ्टर दिस यू विल एंटर द गिव अवे। और अगर आप ये शेयर वगैरह करोगे तो और आप लोगों के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड आफ्टर 10 डेज ऑफ रिलीजिंग दिस वीडियो मैं गिव अवे अनाउंस कर दूंगा और पिन कमेंट्स में भी लिख दूंगा कि गिव अवे किसको मिला है। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक WriteCream एज अ लाइफ टाइम डील इज अ गुड ऑप्शन। अभी आप लोग इसकी तरफ देख सकते हो, एड टूल्स, ब्लॉग कॉन्टेंट, लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट इज गुड इनफ। क्रेडिट कंजम्पशन इसका थोड़ा हाइयर साइड पर है बट प्राइस के हिसाब से डिसेंट चॉइस हो सकती है। लेकिन लुकिंग एट द कॉम्पिटिटर्स राइट नाउ, वर्ड हीरो पेपर टाइप भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, उसकी तरफ भी आप लोग देख सकते हो, उन दोनों की तरफ भी। WriteCream लॉन्ग फॉर्म के लिए मुझे थोड़ा अच्छा लगा है, एंड देन का जो क्रोम एक्सटेंशन है वो भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा है। तो लाइफ टाइम डील के हिसाब से तो इट इज़ अ डिसेंट डील, लेकिन लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आर स्टिल नीडेड इन दिस। और डिटेल रिव्यू आपको हमारे आर्टिकल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टू परचेज एंड टू चेक आउट द आउटपुट्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।